आम खबर आपको दें कि मुल्तान ट्रेन हादसे में चार अफराद जान बहक और 90 से ज्यादा जख्मी हो गए। फेडरल इंस्पेक्टर रेलवे मलिक अरशद का कहना है कि सिग्नल तो लगे हुए थे, ये चल रहे थे कि नहीं, इसकी तहकीकात कर रहे हैं। मलिक अरशद 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू कर रहे थे, आइए आपको दिखाते हैं। ये सुबह हमारी गुड्स ट्रेन एक जा रही थी, 2:40 के करीब यहाँ आगे एक आदमी आगे ट्रेन के नीचे आ गया, वो उसको उठाने के लिए गाड़ी को रोका गया, गार्ड भी उतर के गया, वो देखा तो उसकी टांगें कटी थी। जैसे वो उसको उठाने के लिए आगे गए तो पीछे से 14 यहाँ इलाके का रहने वाला था और वो बिल्कुल जो है ना कोई एडिक्ट पर्सन था, तो उसने देखा नहीं ट्रेन के ऑन अप्रोच ऑफ ट्रेन जो है उसे क्रॉस करने की कोशिश की, उसकी टांगें काट गई और उसकी डेड बॉडी को निकालने के लिए ट्रेन को रोका गया, गार्ड भी आके चला गया और जाके देखा तो इतनी देर में पीछे से ना आवाम एक्सप्रेस आ गई। यह सिग्नल लगे हैं, ये ऑटो ब्लॉक सिग्नल है, तो जैसे कोई गाड़ी ब्लॉक सेक्शन में रुकती है तो सिग्नल रेड हो जाता है। तो अभी तक इसका तयन हो सका कि सिग्नल का फॉल्ट है या ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग है, तो इसकी इंक्वायरी मैं करूँगा।